Today we will see about classification of animals on the basis of segmentation. तो एनिमल का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, एनिमल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन. तो सेगमेंटेशन के बेसिस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन देख रहे हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन जो है ये टू टाइप्स का होता है. एक को कहते हैं स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन और एक को मेटामेरिक. ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं स्यूडो स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ठीक है, सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन. और दूसरा जो है उसको कहते हैं दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. मेटामेरिक मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ठीक है, तो दो तरह का सेगमेंटेशन होगा, एक को स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन और एक को दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ठीक है, ये तो दोनों में डिफरेंस. और ये जो फेनोमेना है ना, ठीक है, इसमें क्या होगा, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, तो इसमें फॉल्स सेगमेंटेशन होगा, इसमें ट्रू सेगमेंटेशन. क्या है फॉल्स और ट्रू, अभी बताते हैं. तो ये देखिए, ये इस फेनोमेना को क्या कहेंगे. ठीक है, फॉल्स सेगमेंटेशन होगा, इसमें ट्रू सेगमेंटेशन होगा. और ये जो फेनोमेना है, दिस फेनोमेना इज टर्म्ड एज, इसको कहेंगे मेटामेरिज्म. क्या कहेंगे, ट्रू होगा तो दिस फेनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म, इसको कह सकते हैं फेनोमेना को. और इसमें जो होगा तो क्या कहेंगे, स्यूडो मेटामेरिज्म. दिस फेनोमेना इज नोन एज स्यूडो मेटामेरिज्म. ठीक है, और यहां पर स्ट्रोबिलाइजेशन भी कहते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रोबिलाइजेशन. ठीक है, तो ये याद रखेंगे, दिस फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म और क्या कहेंगे, स्यूडो मेटामेरिज्म यहां पर और स्ट्रोबिलाइजेशन, ये कहते हैं फिनोमेना को, ये याद रखिएगा ये. ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड स्यूडो मेटामेरिक. ठीक है, तो देखिए यहां पर नाम से सजेस्ट कर रहा है स्यूडो मतलब क्या होगा, फॉल्स. तो इसमें सेगमेंटेशन होगा, कैसा होगा, फॉल्स सेगमेंटेशन होगा. इसमें कैसा होगा याद रखना है, फॉल्स सेगमेंटेशन होगा. ठीक है, फॉल्स सेगमेंटेशन. तो फॉल्स सेगमेंटेशन कहने का मतलब क्या हुआ, कि यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ, फॉल्स सेगमेंटेशन कहने का मतलब क्या हुआ, कि इफ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, ठीक है, इफ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी डेवलप्स बाय सेगमेंटेशन ऑफ एक्टोडर्म तो इसको फॉल्स कहेंगे. लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कैसा होगा, इसमें कह सकते हैं कि इसमें ट्रू सेगमेंटेशन होगा. ठीक है, इसमें कैसा होगा, ट्रू सेगमेंटेशन. तो दोनों में अंतर क्या है, सेगमेंटेशन. तो एक में क्या होगा, फॉल्स सेगमेंटेशन होगा, इसमें क्या होगा, ट्रू सेगमेंटेशन. अब ये फॉल्स और ट्रू सेगमेंटेशन क्या होगा, तो कह सकते हैं ट्रू कहने का मतलब क्या होगा, इफ द सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, इफ द सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, चाहे बॉडी सेगमेंटेशन कर सकते हैं, डेवलप्स बाय कैसे, सेगमेंटेशन ऑफ एक्टोडर्म, सॉरी मीजोडर्म, सेगमेंटेशन ऑफ मीजोडर्म. ठीक है, मीजोडर्म, तो इसको हम कहते हैं दैट इज ट्रू सेगमेंटेशन. ठीक है, लेकिन अगर क्या हुआ, इफ द सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, उल्टा यहां देखिए, इफ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, सेगमेंट इसमें बनेंगे लेकिन कैसे बनेंगे, तो सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी डेवलप्स बाय सेगमेंटेशन ऑफ एक्टोडर्म, तो इसको कहेंगे दैट इज नोन एज क्या, फॉल्स कहेंगे, दैट इज स्यूडो मेटामेरिज्म और फॉल्स सेगमेंटेशन. ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं एक लाइन में, इसमें ट्रू सेगमेंटेशन होगा. ठीक है, एक लाइन कह सकते हैं इसमें ट्रू सेगमेंटेशन होगा और इसमें फॉल्स, मतलब इसमें आप कह सकते हैं सेगमेंट जो बन रहा है ना उसका, उसमें पार्टिसिपेशन किसका है, मीजोडर्म का अगर है. ठीक है, इफ देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ मीजोडर्म तो ट्रू सेगमेंटेशन, अगर एक्टोडर्म है तो इट इज फॉल्स सेगमेंटेशन. ठीक है, ये आप याद रखेंगे पहला. दूसरा ठीक है, इसमें दूसरा में कह सकते हैं कि बॉडी में सेगमेंट्स तो होंगे ना, तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन में ये बॉडी इज एक्सटर्नली
और एंड इंटरनली सेगमेंटेड, इसमें क्या होगा अंदर भी होंगे और बाहर भी सेगमेंट्स होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें केवल अंदर भी हो सकता है किसी एनिमल में, केवल बाहर भी हो सकता है केवल, ठीक है। तो इसमें इंटरनल मेटाबॉलिज्म हो सकता है केवल, चाहे एक्सटर्नल मेटाबॉलिज्म हो सकता है, चाहे कुछ एनिमल में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकता है, ठीक है। इसमें तो अब एनसीईआरटी में दिया हुआ क्या कि इसमें दिया है कि बॉडी इज, इसमें दिया हुआ है बॉडी इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंटेड, एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंटेड, ठीक है। तो सेगमेंटेड होंगे, कैसे होंगे, बॉडी इज इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों, ठीक है, इंटरनली सेगमेंटेड, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एंड है, ध्यान देना है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंटेड दोनों। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ एनिमल ऐसे होंगे जिसमें कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होगा, जैसे अभी हम देखेंगे अर्थवर्म एनलिड्स में, अर्थवर्म लीच तो वगैरह, तो उसमें देखेंगे एक्सटर्नल भी होता है सेगमेंटेशन और इंटरनल भी होता है, ठीक है। तो ये, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं मेटाबॉलिज्म, तो इसको कंप्लीट कहेंगे, दोनों होगा ना, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, तो कंप्लीट मेटाबॉलिज्म कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल है जिसमें कि सिर्फ बाहर होगा, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होगा तो क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे दैट इज इनकम्प्लीट, ठीक है, जैसे कि कॉकरोच में, ठीक है। उसी तरह देखेंगे इंटरनल कॉर्डेट्स में होते हैं, कॉर्डेट्स में क्या होता है, इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, तो उसमें भी इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंटेड, हालांकि दोनों हो सकते हैं, इंटरनल भी केवल हो सकते हैं चाहे केवल एक्सटर्नल भी, एग्जांपल भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली क्या सेगमेंटेड, तो यहां पर ये ध्यान देना है कि दोनों का, दोनों सेगमेंटेड है। इसमें क्या होगा, इसमें अगर होगा सेगमेंटेशन होगा लेकिन वो फॉल्स होगा, और ये बॉडी इज, यहां पर कह सकते हैं इज एक्सटर्नली सिर्फ मेनली होगा, एक्सटर्नली सेगमेंटेड, ठीक है। इसमें होगा सेगमेंटेड तो कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा, एक्सटर्नली, बाहर होगा केवल, और ये एक्सटर्नली तो यहां भी है वहां भी है, लेकिन यहां पर ट्रू सेगमेंटेशन होगा, यहां पर क्या होगा, फॉल्स सेगमेंटेशन होगा, तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि सेगमेंट्स जो है ना, ये सेगमेंट जो है बन रहे हैं ना, ठीक है, तो सेगमेंट्स जो है बन रहे हैं, ठीक है, डेवलप्स, इसमें जो सेगमेंट होता है थ्रू आउट लाइफ बनते रहता है, लेकिन ये क्या होता है, डेवलप्स ओनली इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बनता है, ठीक है। तो सेगमेंट्स यहां पर कह सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, सेगमेंट्स है लेकिन कैसा है, स्यूडो सेगमेंट्स है, तो स्यूडो सेगमेंट्स है ये, ठीक है, फिर भी हम सेगमेंट्स लिख रहे हैं, तो इसमें जो स्यूडो सेगमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें जो स्यूडो सेगमेंट्स है, दैट इज सेगमेंट्स, सेगमेंट्स आर, ये सेगमेंट्स आर, सॉरी, डेवलप्स थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। तो कह सकते हैं सेगमेंट्स आर डेवलप्ड थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। तो इसमें जो सेगमेंट बन रहा है एक्सटर्नली, ये थ्रू आउट लाइफ डेवलप करते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट्स आर, कह सकते हैं क्या, दे आर डेवलप्ड थ्रू आउट लाइफ, तो पूरे लाइफ डेवलप्ड थ्रू आउट देयर लाइफ, तो ये याद रखना है, थ्रू आउट लाइफ। लेकिन इसमें जो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स ऑफ बॉडी, सेगमेंट मतलब बॉडी का, तो सेगमेंट्स आर डेवलप्ड, तो सेगमेंट्स ऑफ बॉडी आर डेवलप्ड ओनली इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ठीक है, केवल एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक बार जो बन गया वही है, ठीक है, बाद में नहीं बनते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सेगमेंट्स क्या है, सेगमेंट्स आर फॉर्मड थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, यहां पर लिख दिए, दे आर फॉर्मड थ्रू आउट लाइफ, और इसमें क्या है, दे आर नॉट फॉर्मड थ्रू आउट लाइफ, दे आर फॉर्मड ओनली एंड ओनली इन वायर, इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ये याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिए, जो सेगमेंट बन रहे हैं ना इसमें, जैसे इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिंथेस, क्या है एग्जाम्पल, प्लैटीहेलमिंथेस में, टेपवर्म में, ठीक है, और इसमें जो सेगमेंट बनते हैं ना, ठीक है, वो देखते हैं कि जो सबसे आगे है नेक साइड में है ना,
ठीक है, तो वहां से बनता है, ठीक है। और इसमें क्या है, दैट इज कह सकते हैं आगे से नहीं बनता है, ये पीछे से बनता है। मतलब कि इसमें कह सकते हैं जो सेगमेंट्स दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम एंटीरियर एंड और न्यू सेगमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पोस्टीरियर एंड, ठीक है। तो अभी हम सेगमेंट्स आर डेवलप्ड थ्रू आउट लाइफ, सेगमेंट्स आर डेवलप्ड ओनली इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ये। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, तो फॉल सेगमेंटेशन एक्सटर्नली सेगमेंटेड है और क्या है थ्रू आउट लाइफ। इसमें हम कह सकते हैं देयर इज अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये जो सेगमेंट बन रहा है ना, ट्रू सेगमेंट बन रहा है ना, तो ये जो हर एक सेगमेंट बना, ठीक है, हर एक सेगमेंट क्या होगा देखेंगे कुछ हद पर, हद तक ये क्या होगा सिमिलर होंगे ज्यादातर। और ये जो सिमिलर है ना, मेटामर्स कहते हैं इसको, दिस सेगमेंट्स आर नोन एज मेटामर्स, ठीक है, मेटामर्स। तो ये मेटामर्स देखेंगे तो दे आर अलाइक, एक जैसा होगा, लेकिन ये एक जैसा ये नहीं होगा। तो क्यों, तो कह सकते हैं कि देयर इज अ, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो हर एक जो देखेंगे ये सेगमेंट उसमें क्या होगा सीरियल रेपिटेशन होगा, देयर इज अ सीरियल रेपिटेशन, आर ई पी ए टी ई टी आर, देयर इज अ सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट, ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, ठीक है। तो कोई ना कोई ऑर्गन का हर एक सेगमेंट्स में अगर मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन है तो इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन में अगर है तो इसमें क्या होगा, देयर इज अ सीरियल रेपिटेशन होगा, क्या होगा यहां पर, तो देयर इज अ सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट क्या, रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सम ऑर्गन्स का क्या होगा, रेपिटेशन होगा, सीरियल रेपिटेशन। इसमें हम देखते हैं देयर इज अ सीरियल रेपिटेशन ऑफ सम ऑर्गन, ठीक है। लेकिन इसमें ये कौन सा स्यूडो मेटामेरिक में सीरियल रेपिटेशन ऑफ सम ऑर्गन नहीं होता है, मतलब कि ऑर्गन का रेपिटेशन इसमें नहीं होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयर इज नो रेपिटेशन, नो रेपिटेशन ऑफ क्या, ऑर्गन्स, ठीक है, इसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ, व्हाट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, ठीक है, किस बेसिस पर है ये, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन के बेसिस पर मेटामेरिक और स्यूडो मेटामेरिक हो गया, ठीक है। इसमें दिया हुआ एनसीईआरटी में बस आपको दिया हुआ है कि इन मेटामेरिक सेगमेंटेशन बॉडी इज, ये दिया है और ये बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंटेड एंड देयर इज सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स होना चाहिए। यहां पर क्या है, यहां पर कोई सीरियल रेपिटेशन नहीं है और फॉल्स सेगमेंटेशन है, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए एग्जाम्पल से क्लास देख लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो एग्जाम्पल इसमें और इसमें दोनों में एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो प्लैटी हेलमेंथियस आता है, प्लैटी हेलमेंथियस फाइलम में के एनिमल है, ठीक है। अब ये प्लैटी हेलमेंथियस में सारे नहीं, अब ये प्लैटी हेलमेंथियस जब पढ़ेंगे हम तो देखेंगे, यह देखेंगे कौन कौन सा, एक को कहेंगे ट्रीमेटोडा, ये होता है टर्बुलेरिया, ठीक है, क्या कहते हैं टर्बुलेरिया, टी यू आर बी ई डबल एल ए आर आई ए। तो तीन क्लास इसमें देखेंगे, एक क्लास को कहते हैं दैट इज नोन एज टर्बुलेरिया, एक को कहते हैं ट्रीमेटोडा, क्या कहते हैं ट्री टी आर ई एम ए टी ओ डी ए ट्रीमेटोडा क्लास, और एक तीसरा जो क्लास हम पढ़ेंगे ना उसको कहते हैं सेस्टोडा, क्या कहते हैं सेस्टोडा। तो यहां देखिए तीन क्लास है, टर्बुलेरिया, ट्रीमेटोडा और सेस्टोडा, ठीक है, तीन क्लास। तो ये जो है दे आर कॉमनली नोन एज प्लेनेरियंस, पी एल ए एन ए आर आई एन एस प्लेनेरियंस, और एडी वर्म कहते हैं, एडी वर्म कॉमन नेम है। इसमें जितने भी होगा फ्लूक कहेंगे, ठीक है, जैसे शीप लीवर फ्लूक है, ब्लड फ्लूक है, ये सब। और इसमें जितने भी है उसको कहते हैं टेपवर्म, क्या कहते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज टेपवर्म, जैसे टीनिया सोलियम वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो देखते हैं ना, ये टर्बुलेरिया है, ट्रीमेटोडा और सेस्टोडा, तो इनमें स्यूडो सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, इनमें नहीं पाया जाता है, स्यूडो सेगमेंट्स आर प्रेजेंट ओनली इन वेयर, इट इज प्रेजेंट ओनली इन टेपवर्म सेस्टोडा। तो आपको एग्जांपल्स पूछेगा वेयर इट इज प्रेजेंट, तो आपको ये याद रखना है नॉट ऑल फ्लैटवर्म, ऑल ये कह सकते हैं फ्लैटवर्म्स में नहीं होते, प्लैटी हेलमिंथियस को ही फ्लैटवर्म
कहते हैं। तो ऑल फ्लैटवर्म्स में नहीं है, केवल टेपवर्म में है, वो भी सेस्टोडा में। ठीक है, यहां एग्जांपल देखते हैं इसमें। तो इसमें एग्जांपल्स क्या होगा, तो इसमें जो एग्जांपल्स होगा इसको हम कहेंगे दैट इज एनेलिडा। क्या है ये एग्जांपल्स? एनेलिडा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा एग्जांपल? एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो एनेलिडा में पाया जाएगा, ये लीजिए एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा। अब ये एनेलिडा में कैसा होता है, हम बताए थे इसमें दोनों होता है। तो एनेलिडा जो देखेंगे इसमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन तो होता ही होता है, प्लस इंटरनल होता है। कैसा होता है? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल मेटामेरिज्म पाया जाता है दोनों। ठीक है, तो एक्सटर्नल तो इसको कहते हैं, दोनों मेटामेरिज्म है ना, तो इसको कहते हैं कंप्लीट मेटामोरिज्म, मेटामेरिज्म। तो इसको कहेंगे कंप्लीट मेटामेरिज्म। तो पूछ देगा कंप्लीट मेटामोरिज्म इज प्रेजेंट इन विच एनिमल, तो दैट इज दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल एनेलिडा में। ठीक है, इनकम्प्लीट। अब देखते हैं एनेलिडा के बाद क्या हो गया, एनेलिडा के बाद, ठीक है, एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा जैसे एनेलिडा में एक एग्जांपल क्या है, अर्थवर्म। ठीक है, तो अर्थवर्म में एक्सटर्नल भी पाया जाता है और इंटरनल भी पाया जाता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में क्या होगा, तो आर्थ्रोपोडा में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल पाया जाता है। कैसा? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन और एक्सटर्नल मेटामेरिज्म। तो यहां पर लिख दे रहे हैं इसमें कैसा है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इसमें सिर्फ एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल क्या है? मेटामेरिज्म। तो इसमें सिर्फ, इसमें दोनों मेटामेरिज्म है जिसको कि कंप्लीट मेटामेरिज्म, इसमें एक्सटर्नल मेटामेरिज्म है, केवल बाहर की ओर सेगमेंट्स पाया जाएगा कॉकरोच में। ठीक है, और तीसरा जो एग्जांपल है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का आगे आता है इकानोडर्मेटा, तो मोलुस्का में कहीं भी नहीं होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखिएगा मोलुस्का का। ठीक है, वहां पर होता है नियोपिलिना। ठीक है, नियोपिलिना। तो यहां पर लिख देना है मोलुस्का का, पूछेगा कि मोलुस्का में सेगमेंटेशन पाया जाता है, नहीं, लेकिन हाँ एक है एक्सेप्शन जिसको कि नियोपिलिना। तो मोलुस्का की कौन सा? नियोपिलिना लिख देना है, नियोपिलिना, इसमें सेगमेंटेशन होता है। और ये जो है नियोपिलिना जो है ना, इसको इसीलिए सेगमेंटेड, हालांकि क्या होता है अर्थवर्म जो है एनेलिडा, दे आर सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। मोलुस्का में क्या होता है? सेगमेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन नियोपिलिना में सेगमेंट होते हैं, इसीलिए नियोपिलिना को क्या कह दिया, इसीलिए इसको कहते हैं सेगमेंटेड वर्म कहते हैं, सेगमेंटेड वर्म। तो यही एक ऐसा मोलुस्का का नाम बताइए जो कि क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एग्जिबिट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर हो जाएगा नियोपिलिना। ठीक है, क्या हो जाएगा? नियोपिलिना विल बी द आंसर। तो ये याद रखेंगे, नियोपिलिना इज अ सेगमेंटेड मोलुस्का, सेगमेंटेड वर्म कहते हैं और सेगमेंटेड मोलुस्का कह सकते हैं। तो सेगमेंटेड वर्म है और लिख दे रहे सेगमेंटेड मोलुस्का। तो ये आप याद रखेंगे, सेगमेंटेड मोलुस्का है तो सेगमेंट कैसा है, दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसके बाद एग्जांपल्स जो है ये उसको कहेंगे दैट इज कॉर्डेट्स। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? कॉर्डेट्स आ जाएंगे, कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स वगैरह, ये जैसे पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, मतलब वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग। ठीक है, तो कॉर्डेट में होगा, लेकिन कॉर्डेट में क्या होगा? तो यहां देखिए एक्सटर्नल इंटरनल था अर्थवर्म में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल केवल सेगमेंटेशन है, लेकिन कॉर्डेट्स अगर देखेंगे तो इसमें इंटरनल सेगमेंटेशन होता है। कैसा होता है? इंटरनल मेटामेरिज्म प्रेजेंट। ठीक है, कैसा मेटामेरिज्म है याद रखना है? इंटरनल, केवल इंटरनल है, अंदर की ओर है, बाहर नहीं है सेगमेंट। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल क्या, मेटामेरिज्म। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं इंटरनल मेटामेरिज्म इसमें। अब ये क्या है, अब हम यहां पर देख रहे हैं कि इनमें दोनों है तो इसको कहते हैं कंप्लीट, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ये दोनों में क्या है, एक में आइदर एक्सटर्नल है चाहे इंटरनल, तो इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म। क्या कहेंगे इसको? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, क्या कहेंगे इसको? इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म, इसको इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म
मेरिज्म कहेंगे। तो पूछ देगा कंप्लीट मेटामरिज्म इज प्रेजेंट इन कहां पर, एनेलिडा अर्थवर्म। इनकम्प्लीट कहां पाया जाएगा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स। तो आपके एनसीईआरटी में जो है ना ये सब दिया हुआ है, ये इसके बारे में मतलब मिलता है बुक्स में, ठीक है। मोलुस्का नहीं है, मियोपलेना एक एक्सेप्शन से बस ये, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गया इंटरनल का। अब देखिए तो कह सकते हैं इसमें क्या, वो बॉडीज एक्सटर्नली और एंड इंटरनली सेगमेंटेड एंड देयर इज अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। तो सम ऑर्गन का रिपीटेशन है ना, तो कौन कौन सा ऑर्गन हो सकता है कुछ, तो उस ऑर्गन को थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि रिपीटेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन कौन कौन से ऑर्गन के हैं तो वो देखते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए एनेलिडा जैसे है, ठीक है, एनेलिडा। तो एनेलिडा का जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर बता रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा बनाते जा रहा है फिगर, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या देखिए, यह जगह है मेरे पास, ठीक है, यहां देखिए ये क्या है, एक हम बना रहे हैं एनेलिडा का। तो एनेलिडा जो है ये देखिए, ये इसका माउथ है, इस तरह का सेगमेंट्स है ऐसे, ये सेगमेंट्स, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये अर्थवर्म का क्या है, ये सेगमेंट्स है, मान लीजिए कि ये सेगमेंट्स है ऐसे ऐसे, बहुत सारा सेगमेंट्स है, इतना बना दिया, ठीक है, इस तरह से बहुत सारा सेगमेंट्स बना दिया, ठीक है, सेगमेंट। तो ये देखिए सेगमेंट है ना, ये क्या है, इसका माउथ है, और ये क्या है यहां पर, ये इस तरह का इसका जो आगे होता है इसको कहते हैं दिस इज माउथ, इसको कहते हैं फ्लेशी लोब है, हैंगिंग लोब, इसको कहते हैं प्रोस्टोमियम, क्या कहते हैं, प्रो पी आर ओ एस टी ओ एम आई यू एम। और ये जो पहला सेगमेंट है ना इसका, दिस इज नोन एज पेरिस्टोमियम, द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज नोन एज क्या, पेरिस्टोमियम, पी आर आई एस टी ओ एम आई यू एम, पेरिस्टोमियम। तो प्रोस्टोमियम फ्लेशी हैंगिंग लोब, और ये ठीक है। और यहां देखिए ये बाहर से भी होता है सेगमेंट अर्थवर्म में, और अंदर से भी होता है, अंदर क्या है, सिलोम है ना, तो सिलोम में सेप्टा होगा, लाइन होंगे, सेपरेशन होंगे, तो उसको सिलो सेप्टा कहेंगे। तो ये एक्सटर्नल है ना, और इंटरनल, तो इंटरनल होगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सिलो सेप्टा, सी ओ ई एल ओ, सिलो सेप्टा, ठीक है। और इसी को कहते हैं इंटर सेगमेंटल, इंटर INTER, इंटर SEGMENTAL, इंटर सेगमेंटल सेप्टा कह सकते हैं, क्या कहेंगे, इंटर सेगमेंटल सेप्टा इसको कह सकते हैं आप। तो आप कह सकते हैं अगर अंदर होगा, अंदर अगर सेगमेंटेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे, सिलो सेप्टा, सिलो में ना, और इंटर सेगमेंटल सेप्टा। लेकिन बाहर से दिखाई दे रहा है ना, तो एक्सटर्नल होगा तो इसको हम एक टर्म क्या देंगे, इसको कहेंगे इंटर सेगमेंटल सेप्टा, यहां पर था, यहां पर कहेंगे इंटर सेगमेंटल सेप्टा नहीं, ग्रूव्स कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं अर्थवर्म में एक्सटर्नल जो सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंट है, उसको हम इंटर सेगमेंटल ग्रूव्स कहते हैं, और अंदर है उसको क्या कहेंगे, इंटर सेगमेंटल सेप्टा, और क्या कहते हैं इसको, सिलो सेप्टा भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिलो सेप्टा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अभी तो हम बताए कि देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन, तो यहां पर हम देखेंगे, यहां देखिए एनेलिडा है ना, तो एनेलिडा में क्या क्या रेपिटेशन होता है, तो यहां देखिए हर एक में क्या होता है, ऐसे ऐसे हर एक में इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या कहते हैं, अपेंडिजेस होता है ना, क्या कहते हैं इसको, सीटे, एसीटीए, लोकोमोटरी ऑर्गेनल सीटे। तो सभी में है ना, एक्चुअली में सीरियल रेपिटेशन ऑफ ऑर्गेन, सभी में क्या होता है, ऐसे देखेंगे ब्लड वेसल्स, डॉर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल, ये सब होगा ब्लड वेसल्स, नर्व्स सभी में होगा, रेपिटेशन है ना, ठीक है। तो ये हो गया, तो और कुछ मसल्स है, तो ये यहां पर लिख दिया एनेलिडा में। नेफ्रिडिया देखेंगे, नेफ्रिडिया इस क्या, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनेलिडा। तो नेफ्रिडिया सभी सेगमेंट्स में होते हैं, लगभग 120 सेगमेंट्स का होता है, सभी में होता है, ठीक है। क्या होता है, नेफ्रिडिया 120 सेगमेंट्स में होते हैं नेफ्रिडिया, ठीक है। अब ये क्या देखेंगे, फर्स्ट थ्री छोड़ के, पहला दूसरा तीसरा में, लेकिन और सब मैक्सिमम में तो है ना नेफ्रिडिया। तो यहां पर क्या होगा, हम कह सकते हैं सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स में क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं अपेंडिजेस, अपेंडिजेस होते हैं, अपेंडिजेस में क्या हो गया, SETA, सीटे, ठीक है। और क्या होगा, ब्लड वेसल्स होगा, ब्लड वेसल्स सभी में है, डोर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल, ठीक है। इसके बाद नर्व्स होंगे, नर्व्स होंगे, मसल्स होंगे, सभी में करीब होते हैं मसल्स। इसके बाद क्या कह सकते हैं, नेफ्रिडिया, क्या कहेंगे इसको, मसल्स तो है ही, प्लस
नेफरिडिया, तो लिख देते हैं मसल्स एंड मसल्स, मसल्स और नेफरिडिया। तो नेफरिडिया हम पढ़ेंगे, इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट। तो याद रखिएगा नेफरिडिया ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और अपेंडिजेस सीट है, तो सभी में एक तरह से सीरियल रिपीटेशन है, ये एग्जाम्पल हो गया। अर्थ्रोपोडा में देखेंगे, अगर क्या देखेंगे अर्थ्रोपोडा, ठीक है, तो अर्थ्रोपोडा देखेंगे तो इसमें क्या पाया जाएगा, तो अर्थ्रोपोडा में आप पढ़ चुके हैं, ये देखिए अर्थ्रोपोडा में देख रहे हैं कॉकरोच, तो ये कॉकरोच का हेड है, ये कंपाउंड आई वगैरह है, और ये देख रहे हैं इस तरह से ऐसे, ये तो ये देखेंगे थॉरेक्स है, ये क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड थॉरेक्स, और फिर आगे क्या है ये एब्डोमेन। तो थॉरेक्स में तीन सेगमेंट्स हो गया, ये क्या है पीएच है थॉरेक्स 1 2 3, ये एब्डोमेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह, ठीक है, ऐसे होता है 9 सेगमेंट। तो 3 सेगमेंट्स होते हैं किसमें, 3 सेगमेंट्स किसमें होंगे थॉरेक्स में, और एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स होते हैं, एब्डोमेन में देखेंगे कितने, दैट इज 9 सेगमेंट्स, ठीक है। तो ये सब क्या है बाहर से है सेगमेंटेशन, और ये बाहर दिख रहा है और अंदर नहीं है, सिलोम में नहीं है, तो सिलोसर्पाइटिस सिर्फ क्या है एक्सटर्नल मेटामेरिज्म, ठीक है। और हर एक सेगमेंट में क्या है दे आर सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन ना। तो यहां पर हम क्या देखे थे अंदर, हम बताए थे कि यहां पर ये सिलोम जो होता है अंदर, ठीक है, ये तो सीरियल रिपीटेशन है ना, तो अंदर अगर देखेंगे हीमोसील होता है, और इस हीमोसील में क्या होगा, यहां पर इस हीमोसील में क्या होगा, यहां पर देखेंगे हार्ट होता था ना, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, देखिए सेगमेंट है ना ये इस तरह, तो ये इसमें क्या होता था, हम देखे थे हीमोसील, तो इसमें हार्ट होता था, इसको मना ही दे रहे इस तरह सेगमेंट हटा के, तो ये हार्ट होता था, तो ये देखिए ऐसे इस तरह, ठीक है, हार्ट, तो हार्ट कैसे होता था बताए थे ना कि पूरा हीमोसील जो है डिवाइडेड इनटू ऐसे है, तीन भाग में बटा हुआ है, डॉर्सल और वेंट्रल डायफ्राम बटा हुआ है, और ऊपर वाला में हम क्या देखेंगे, ऊपर वाला में हार्ट होता था इस तरह, यहां देखिए ऐसे ऐसे, एक चेंबर, दो चेंबर, तीन चेंबर, चार, पांच, छह, सात, इस तरह कितने होंगे 13 चेंबर। तो ये क्या है हार्ट है, क्या है दिस इज हार्ट। तो तीन चेंबर थॉरेक्स में, थ्री चेंबर है, थ्री सेगमेंट है ना, तो हर एक में एक एक होगा हार्ट। एब्डोमेन में कितने हैं, नाइन है, तो नाइन उसमें होगा, तो सभी में हार्ट है ना रिपीटेशन, तो हार्ट हो गया। और हार्ट जो होता है देखेंगे ये अटैच हार्ट से, हार्ट जो है ना ये क्या है, ये वाला इसको क्या कहते हैं डॉर्सल डायफ्राम कहते हैं, और ये नीचे वाला वेंट्रल डायफ्राम। तो यहां यहां जो डॉर्सल डायफ्राम है ये क्या है, ये देखिए ये वाला क्या है, ये वाला हम बताए थे ये डॉर्सल डायफ्राम है, डॉर्सल डायफ्राम क्या है, डॉर्सल डायफ्राम, और नीचे वाला वेंट्रल डायफ्राम। तो ये डॉर्सल डायफ्राम लाइन है, ये लाइन क्या है ये जो सेपरेट कर रहा है ऊपर ऐसे, ये डॉर्सल डायफ्राम, ठीक है, और ये ऊपर क्या है इसका बॉडी का वॉल है ना, ऊपर वाला बॉडी का वॉल। तो इन दोनों के बीच में हार्ट ऐसे है, और ये नीचे क्या है डॉर्सल डायफ्राम, ऊपर क्या है बॉडी वॉल, तो दोनों से एक मसल सटा हुआ है ऐसे, यहां देखिए ऐसे 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 मसल सटा है सब में ऐसे ऐसे, हार्ट को मतलब ये हार्ट को इधर उधर हिलने से बचा रहा है इस तरह, ठीक है। तो पेयर्स में है, तो ये भी क्या कहेंगे 13 पेयर्स है ऐसे। तो ये जो देख रहे हैं ये मसल्स, इसको कहते हैं एलरी मसल, क्या कहते हैं ALLARY एलरी मसल। जैसे हम लोग के हार्ट में क्या होता है कार्डियक मसल होता है, तो इनके हार्ट में क्या होगा एलरी मसल होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें क्या है इनमें, इनमें एलरी मसल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हार्ट का, अगर पूछ देगा कि एनेलिडा अर्थ्रोपोडा में क्या का रेपिटेशन है, तो अर्थ्रोपोडा में हम कह सकते हैं कि हार्ट का रेपिटेशन देख लिए, हार्ट है, हार्ट है, एलरी मसल्स, कार्डियक मसल्स इसमें नहीं होता है, क्या होता है एलरी मसल्स। हार्ट कितने होते हैं 13 चेंबर्ड होता है, एक ही हार्ट है लेकिन 13 चेंबर्ड, ठीक है, ट्यूबुलर हार्ट इसको कहते हैं, ट्यूब जैसा है ना, और ये एलरी मसल्स है, ठीक है। तो मसल्स ऑफ हार्ट दैट इज एलरी मसल। तो ये देख रहे हैं क्या है रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स है, ठीक है। आगे देखते हैं कॉर्डेटा, हम लोग में क्या है इंटरनल मेटामोरिज्म है, जो कि क्या बनता है, ये कब बनता है, आप ये बता चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में बन रहा है, इंटरनल है, अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कहां पर रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन, तो ये रिब्स जो होते हैं, ये रिब्स देख रहे हैं ऐसे अंदर है ना, तो रिब्स इसमें क्या हो जाएगा अगर पूछ देंगे इसमें कॉर्डेट्स में, तो कॉर्डेट्स में सीरियल रिपीटेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहां दिख रहा है इसमें रिब्स है, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम देख रहे हैं पीछे,
वर्टिब्रल कॉलम एक पर एक, तो वो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम कॉलम, ठीक है। इसके बाद अबडोमिन में मसल्स होते हैं तो एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स। तो ये सब क्या है? रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, एब्डोमिनल मसल्स, ये सब हर एक सेगमेंट्स में है ऐसे, लेकिन ये इंटरनल है एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक लाइन कि सच एनिमल इन विच द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंटेड एंड देयर इज अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, इट इज टर्म्ड एज मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन। ये तो यही याद रखेंगे, और एग्जांपल कहां कहां होगा आपको मालूम है, ठीक है। एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेट्स में, मोलुस्का में कहेंगे तो सिर्फ नियोपिलेना में। कौन सा मोलुस्का? तो याद रखेंगे नियोपिलेना, दिस इज नोन एज क्या? सेगमेंटेड वर्म और सेगमेंटेड मोलुस्का, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। इसको कर लीजिए।